ब्लॉग और आज है स्पेशल क्लास एक। मैं भी प्रिजन IAS ही जा रहा हूँ अकेडमी अपना अटेंड करने। आज होने वाला है ओरिएंटेशन ट्यूशन, कुछ क्लासेस होंगी तो इसीलिए। और मैं यहाँ से बैठा था इलेक्ट्रिक सेक्टर नोएडा का, बिल्कुल ट्रेन खाली, पूरी ट्रेन खाली है। पहली मेट्रो मेरे को इतना खाली दिखा, सही में सुकून आ गया। और एक बजे से क्लास है और मुझे लगता है कि मैं फिर से लेट हो जाऊंगा, क्योंकि 12:15 तो हो ही गए। यहाँ से कम आधा घंटा 45 मिनट तो लेगा करोल बाग तक पहुँचने में, तो फिर से लेट, फिर से लास्ट ट्रेन से बैठना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, करोल बाग पहुँच के बात करते हैं। देखिए, जब आप फेल होते हैं तो एवरीवन गोस टू द सेम प्रोसेस ऑफ ग्रीफ। ठीक है, हम सब लोग रोते हैं, सब लोग घर पे कॉल करते हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है लोगों से। बहुत ही अनफॉरगिविंग सोसाइटी है हमारी, इफ यू फेल मतलब पीपल डोंट फॉरगिव यू। तो जैसे पिछली बार की, जब मेरा पहली बार में नहीं हुआ तो इतना दुख नहीं हुआ था मुझे, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा मतलब इंटरव्यू का, तो मैंने सोचा भी नहीं था, पहुंच गए थे वहां तक। तो जब नहीं हुआ तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं है, पहली बार मैं यहाँ तक पहुंच गए, वही अपने मर्जी में बैठा। फिर मार्कशीट आई तो फिर देखा कि ऑप्शनल में कम है। लाइफ मैनेजमेंट मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, मेरे खुद की लाइफ में बहुत दिक्कत होती है। और बिकॉज देखिए, इससे एक और चीज निकल के आती है क्या, कि IAS इज नॉट द एंड ऑफ एवरी प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूशन की ना एक गरिमा होती है, कोई मना कर देगा तो आप पे तो कोई रिस्पेक्ट वैसे भी नहीं है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट है, वो नहीं जानी चाहिए आपकी वजह से। तो लाइफ मैनेजमेंट ये बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड है, चलो तब टैकल करते हैं। देखो, क्या होता है ना कि जब तक नहीं होता है। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन डेज में सर बैकअप प्लान माइंड में रखना। बढ़िया क्वेश्चन, आगे हो रहा है, कंप्लीट करना क्वेश्चन, हो गया। देखो बैकअप का, अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने अपना बताया, ठीक है, देखो मेरा तो कोई बैकअप नहीं था यार, और उसका दो रीजन था। पहला रीजन था कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि फाइनेंशियली ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो इवन इफ आई लेफ्ट अ जॉब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सबका सिचुएशन एक साथ। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक हो गया, स्मॉल ब्रेक टॉपर स्टॉक के बीच में, अभी थोड़ी देर बाद सेशन कंटिन्यू होगा। तब तक जिसको भी बाथरूम पानी वगैरह जो भी एक्सरसाइजर जो भी करना हो कर सकता है, तो मेरे को यही करना बैठे हैं और क्या करें। पूरा लास्ट मेरा बैच चला यार, लेट हो गया इसके चक्कर में, और सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा यहाँ से निकल के। में 92 आए थे पहली बार में, ये भी सरप्राइज था क्योंकि मेरा ऑप्शनल है यार PSIR, तो मुझे हमेशा लगता था कि GS2 तो कर ही लूंगा, बट नहीं हुआ। बट फिर नेक्स्ट टाइम किया तो 108 आए, इस बार 119 आए, फिर GS3 में ये 85 85 92। इसमें किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं GS3 में, मतलब मुझे जज मत कर दो। तो यार क्लास तो बहुत अच्छी थी, बट मेरे को अभी जाना पड़ रहा है, तो मेरी 5:46 में मेरी ट्रेन है, और यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँचने का कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो मेरे को निकलना पड़ रहा है, इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। बट जैसे ही इंटरव्यू उनका YouTube पर अपलोड होगा मैं देखूँगा, और लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूँगा।
तो अभी मैं बस निकल आया हूँ और पापा भी वहीं रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। और बहुत कुछ बताया सर ने, बहुत इंफॉर्मेशन दी और बहुत मजाक भी किया, बहुत अच्छे से समझाया सब कुछ। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा इंटरसेशन, और अगर आपको भी लगे तो ज़रूर देखना, लिंक को प्रोवाइड कर ही दूँगा। तो बस अभी तो मेरे को विजन वो मार्केट जाना है, जो क्लास हेड ऑफिस है वहाँ पे मेरे को जाके अपना मटेरियल उठाना है, तो मटेरियल लेना है मेरे को जाके सबसे पहले, फिर उसके बाद मेट्रो या बस या ऑटो कुछ भी मिलेगा तो फिर मैं जाता हूँ रेलवे स्टेशन। तो ये रहा मेरा स्टडी मटेरियल, ये मैंने ले लिया है, एक करंट अफेयर्स की बुक मिली है और असाइनमेंट वगैरह, ये सब देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जब इसको अनबॉक्स करेंगे और रिव्यू करेंगे। एंड अभी मैंने ओला बाइक बुक की है क्योंकि मुझे जाना हज़रत निज़ामुद्दीन, अकेला हूँ सोलो हूँ तो बाइक ठीक है, तो बाइक इसलिए मैंने अभी बुक कर दी है, अभी आने वाली है, देखते हैं कितनी देर में आती है, तो जैसा भी होगा अपडेट करता हूँ, दो मिनट। वो भी आने वाला है, कॉल आया अभी, आ रहा हूँ अभी, तो देखते हैं कितनी देर में आता है अभी। सॉरी एंड आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि इसकी बैटरी हो गई थी डेड, और अभी मैं घर आ गया हूँ, चेंज वगैरह किए कपड़े, नहाया धोया और अब बस सोना है, कल मेरा एग्ज़ाम है वो देने जाना है, बस इतना ही है वीडियो में, और इसके बाद देखते हैं कुछ करेंगे। जो विजन आई एस का आया है उसका स्टडी मटेरियल का मेरे को रिव्यू करना है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, जल्दी आएगा, एक दिन या अगले दिन ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो बस तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, नॉर्मल फॉर्मेलिटी है, तो बाय टाटा एंड सी यू नेक्स्ट रिव्यू वीडियो विजन आईएएस का, बाय।